नमस्कार, मैं प्रतीक एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि एनपीएस में 20 से 30 सालों तक निवेश करने पर ही पेंशन के लिए एक पर्याप्त राशि जमा हो पाती है। मेडिकल एनहांसमेंट की वजह से आज रिटायरमेंट के बाद भी 20 से 30 सालों तक एक सामान्य जीवन अपेक्षित है, और एनपीएस का उद्देश्य भी यही है कि एक फिक्स राशि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहे, ताकि आप एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी सोच से एनपीएस में एन्यूटी यानी पेंशन परचेस अनिवार्य किया गया है। पर्याप्त पेंशन पाने के लिए आप आपका पूरा पैसा यानी 100% जमा राशि पेंशन के लिए दे सकते हैं, और इसके तीन बड़े फायदे भी हैं। एक, इस पूरी राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, आमतौर पर अगर आप कोई पेंशन प्लान परचेस करते हैं तो उस पर आपको 1.8% का GST देना होगा, जो कि NPS के राशि के साथ अप्लीकेबल नहीं है, यानी आपको मिलता है ज़्यादा पेंशन का फ़ायदा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके NPS राशि 50 लाख रुपए है और उससे आप पेंशन खरीदते हैं तो आपको मासिक 500 रुपए का पेंशन में फ़ायदा होगा। तीसरा, जिस राशि से आप पेंशन शुरू करते हैं वो गारंटेड आपको उम्र भर मिलेगी, और आपके बाद आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को कंटिन्यू रहेगी। पेंशन के लिए जमा गई राशि आपके नॉमिनी को वापस दी जाएगी, यानी मूल राशि के साथ पेंशन की गारंटी। आइए अब हम समझते हैं कि पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा। पेंशन पाने के लिए आपको एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ASP भी कहते हैं, उनका एक पेंशन प्लान चुनना होगा। ये ASPs रेगुलेटर यानी PFRDA द्वारा चुनी गई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको पेंशन प्रदान करती हैं। ASPs और उनके द्वारा दी जाने वाले पेंशन प्लान की अधिक जानकारी आप हमारे इस सीरीज़ के एक दूसरे वीडियो में पा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है, और आपके रिटायरमेंट के 6 महीने पहले भी ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके रिटायरमेंट के तुरंत बाद आप पेंशन प्राप्त कर सकें। NPS में पेंशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आप कुछ राशि लमसम रूप में निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको ये पहले से डिसाइड करना होगा कि कितनी राशि से आप पेंशन प्राप्त करेंगे। आपकी जमा राशि के कम 40% आपको पेंशन के लिए देने होंगे, और 60% राशि आप कैश के रूप में निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 5000 रुपये महीना अगले 20 सालों तक जमा करते हैं तो 8% रिटर्न के हिसाब से लगभग 30 लाख रुपये जमा होते हैं। आपको इस जमा राशि का 40% यानी 12 लाख रुपए का पेंशन अनिवार्य रूप से लेना होगा, और बचे 60% राशि यानी 18 लाख रुपए आप कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को हम दोहराना चाहते हैं कि एक अच्छी पेंशन पाने के लिए आपको लंबी समय तक NPS में निवेश करना ज़रूरी है। इसीलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि NPS में निवेश करते समय लॉन्ग टर्म का सोचें, और इसे किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर ना करें। NPS से एग्जिट और पेंशन की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।